रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोलिंग में एनर्जी थी, दोनों को ऐड कर दो। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये फॉर्मूला आपको करवाया था। इसके बेस पे हमने एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे एच हाइट वाले, तो ये न्यूमेरिकल्स हमने किए। इसके बाद जो नेक्स्ट था, इसमें जो अगली शीट थी, इसके भी एक दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, जिसमें कि अगर कोई बॉडी एच हाइट से आती है और नीचे उतरती रोल करती हुई आती है, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आप वी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। इसके बाद मान लो जैसे ये क्वेश्चन है एक बॉडी रोल करती हुई ऊपर चढ़ रही है। अब रोल करती हुई ऊपर चढ़ेगी तो एच हाइट अटेन करेगी, एच इसमें गिवन है, तो बताओ ये बॉडी क्या है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है। रूल वही है, जब वो नीचे रोल कर रही है तो रोलिंग एनर्जी है, टोटल एनर्जी है रोटेशन की, जिसमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों है, एंड तो वो एच हाइट पर आ जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच। एच को पुट कर देंगे, सॉल्व करके के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा हाफ। हाफ का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर का मतलब या तो ये बॉडी डिस्क है, ये बॉडी सिलेंडर है। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिसाइड करके देगा। नेक्स्ट है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें एक हेमिस्फीयर है और बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी को यहाँ से रिलीज किया, ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो से टच हिला के छोड़ दिया, बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है और किसी पॉइंट पर एट एन एंगल ऑफ थीटा बॉडी क्या है, हवा में कॉन्टैक्ट जो है हवा में आ गई, बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया इस हेमिस्फीयर से। तो जब कॉन्टैक्ट लूज किया तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एम जी थीटा थीटा एम जी कॉस एम जी साइन, सर्कुलर मोशन है, तो बॉडी के पास क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहाँ करती है, टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा, और ऑपोजिट क्या है, एन। तो सेंटर की नेट फोर्स क्या है, एम जी कॉस थीटा माइनस एन, और ये फोर्स क्या करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और क्या करेगी, लाइक सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आप करेंगे, ऐसी क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन में गिवन होगा बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, जब बॉडी ने कॉन्टैक्ट लूज किया तो एन नॉर्मल रिएक्शन उठा के क्या कर देना है, जीरो। सॉल्व करके यहां से क्या जाएगी, वेलोसिटी। तो दूसरा क्वेश्चन, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगती है अलग अलग क्वेश्चंस में, तो एनर्जी कंजर्वेशन में यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम, तो आप एक काम करेंगे, इसको ग्राउंड मान लेंगे, ग्राउंड पे यहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी हम निकाल चुके सेंट्रीपिटल फोर्स से, और यहां पर पोटेंशियल है एम जी एच। अब एच ये होगा, अगर ये ग्राउंड है तो एम जी एच ये होगा। अब एच निकलेगा कैसे, ये टोटल आर है और इसमें से ये माइनस कर देते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, ये हाइट आ गई, तो एम जी एच आ गया, और काइनेटिक यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, और वी नॉट यहाँ पर जीरो गिवन होता है ज्यादातर क्वेश्चन में। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत लंबी कहानी है, बट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। चांस की बात है, ये मेंस का क्वेश्चन आया इस साल, पिछले साल में अभी करेंगे भी, कि अगर मान लो एक पुली है और एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दिया, ये रेस्ट पे था यहाँ पे, और ब्लॉक नीचे गिर रहा है। अभी ब्लॉक कितनी हाइट नीचे आ चुका है, h, उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v। तो आपको ये बताना है कि ये v कितना है, या क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि v ले लो, ओमेगा बताओ इसका कितना है। तो रूल क्या है इसमें, रूल ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जब ये ब्लॉक ए पे था और बी पे था, तो सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ पुली का सम, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, काइनेटिक ऑफ ब्लॉक एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ पुली, इनका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, जो चेक करते हैं, जब ये ए पे था तो इसके पास काइनेटिक क्या थी, जीरो, पोटेंशियल क्या थी, अगर ये ग्राउंड है पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, पोटेंशियल एम जी एच और काइनेटिक जीरो, पुली घूम नहीं रही थी तो एनर्जी जीरो। जब ये बी पे आ गया तो बी पे इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पुली घूम रही है विद हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके चाहो तो जो ब्लॉक है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी वी एक्वायर कर बैठा है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा की जगह पुट किया जा सकता है वी बाय आर, और पुली की जगह हाफ एम आर स्क्वायर, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो कैन बी कैलकुलेटेड। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगी, ठीक, कैसे लगेगी अभी देखते हैं।
इसके अंदर जैसे क्वेश्चन है कि एक स्फेयर है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा था, घूमते घूमते वो रुक गया, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो कहते हैं उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी है और वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी क्या होती है, एम सी डेल्टा थीटा, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा थीटा, लेकिन ये हीट कैलरीज में है और एनर्जी जूल में है, तो पहले काम करना पड़ेगा इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि दोनों किस में आ जाएं, कैलरीज में। आंसर डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। इस टाइप की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, एक रॉड जमीन पे पड़ी हुई है और हिंज्ड है, यहाँ से पेच लगा हुआ है तो ये घूम सकती है पर ये एंड मूवेबल नहीं है, तो ये हिंज्ड है, एल लेंथ है, ये जमीन पे गिर गई, जब जमीन पे गिरी इसका ओमेगा बोलो क्या होगा, जब ये खड़ी हुई थी तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी एच की जगह इसका मास कहाँ पर था, सेंटर ऑफ मास पे, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, हाइट क्या लेंगे, एल बाई टू, एम जी इंटू एल बाई टू। तो जब ये नीचे गिर गई पोटेंशियल तो जीरो हो गई, तो क्या गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई आपकी ये एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जब ये हिंज कर रखा है ये टेंजेंट है तो रॉड है और ये एक्सेस है जो कि टेंजेंट है, टेंजेंट के अलॉन्ग वैल्यू क्या होती है रॉड की, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैल। तो लॉजिक क्या है कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, रोटेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा वो कहेगा सेंटर ऑफ मास ने कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, तो सेंटर ऑफ मास ने कितनी वेलोसिटी से हिट किया, सेंटर ऑफ मास खुद इस रोटेशनल सर्कल में होगा और कितने रेडियस में घूम रहा है, एल बाई टू, तो आप यहां पे लगा सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r की जगह क्या पुट करेंगे, l by 2, तो v इज इक्वल टू l by 2 इनटू ओमेगा, ओमेगा हम निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, एक और आंसर आ गया, जैसे वो कहेगा इसकी वेलोसिटी v बोलो क्या होगी, कोने के पॉइंट की, अब कोने का पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, इन रेडियस कितना, l, तो अप्लाई क्या करेंगे, v इज इक्वल टू l ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के लिए l by 2 ओमेगा, कॉर्नर के पॉइंट के लिए v इज इक्वल टू l ओमेगा, तो ये लो, ये इसके आंसर्स हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक रॉड है वो पूरी तरह ग्राउंड पे गिरी नहीं, अभी मान लो रोटेट करती हुई उसने एंगल थीटा कवर किया था, तो आपको ओमेगा बताना है क्या होगा, फिर से सेम क्वेश्चन है, रूल वही है कि जब ये वन पर थी तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एम जी इंटू एल बाई टू, और जब ये टू पोजिशन पे आ गया सेंटर ऑफ मास, तो अब इसके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो है ही है क्योंकि घूमती हुई नीचे गिर रही है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी है, और कितनी है, जितनी ये हाइट है, ये हाइट कितनी है, अगर ये थीटा ये एल बाई टू, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट एल बाई टू कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर एम जी एल बाई टू, तो आप यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है आपने। ठीक, फिर अगली जो प्रॉब्लम आती है वो इस टाइप से आती है जिसमें रोलिंग है और फ्रिक्शन है। रोलिंग और फ्रिक्शन में क्या इसमें लेना देना है कि जब कोई बॉडी रोल करती हुई जाती है तो रोलिंग दो टाइप की होती है, या तो प्योर रोलिंग बस रोल करती हुई जा रही है, या फिर रोलिंग विद स्लाइडिंग घिसटती हुई भी जा रही है। तो अगर तो प्योर रोलिंग है तो फिर तो वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, लास्ट टाइम हमने किया था, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और अगर विद स्लाइडिंग है, अगर स्लाइड भी कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी क्योंकि घिसटती हुई बॉडी जा रही है, और अगर प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन तो तब भी है पर वो फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं होती, वो स्टैटिक होती है। प्योर रोलिंग में हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग विद स्लाइडिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो जैसे सपोज करो क्वेश्चन है कि आपको इस टाइप से प्रॉब्लम गिवन है, कुछ ये रही एक स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर आपने टेंजेंशियल फोर्स कितनी लगाई, एफ, एक स्फेयर पे आपने फोर्स की वैल्यू कितनी लगा दी इसमें, और रेडियस आर है। अब ये प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले नहीं करेगी, प्योर रोलिंग में कौन से फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक। अब इमेजिन करो नीचे वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, राइट, ग्राउंड पे भी एक्ट करेगी पर ग्राउंड की फ्रिक्शन लेते नहीं है। तो क्योंकि ये रोलिंग है, रोलिंग किससे बनी हुई है, ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन, तो पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन पे लगाते हैं। ट्रांसलेशन में सारी इक्वेशन फोर्सेस पे बनती हैं और रोटेशन में सारी इक्वेशन टॉर्क से बनती हैं। तो अगर ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे बनेगी, तो ट्रांसलेशन पे सेंटर ऑफ मास पे
क्या ही क्वेश्चन है। अब ट्रांसलेशन के अंदर शेप मैटर नहीं करती। आप इमेजिन करें कि पॉइंट मास है जिसका मास एम है, तो एक फोर्स राइट है, दूसरी फोर्स भी राइट है, तो नेट फोर्स क्या है, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पहला पॉइंट है यहां तक, तो फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है रोटेशन की। रोटेशन में एफ क्या जनरेट करेगा, टॉर्क। अब ये एफ टॉर्क कैसे जनरेट करता है, जो फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है वो बॉडी को कैसे घुमा रही है, क्लॉकवाइज, और जो इधर एक्ट कर रही है वो कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक टॉर्क लगाएगा आर इंटू एफ और एक टॉर्क लगेगा आर इंटू स्मॉल एफ, पर एक लगेगा क्लॉकवाइज एक लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, क्योंकि बॉडी स्फेयर है, स्फेयर के लिए आई क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और प्योर रोलिंग में ए सेंटर ऑफ मास क्या होता है आर एल्फा, तो एल्फा की जगह ए बाय आर। सॉल्व करके इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन नंबर वन और टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड एफ कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है, वो क्या, वो ये कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक बॉडी रोल कर रही है। अब जब मैं रोल बोलता हूं सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन, ये आपको क्या देगा, प्योर रोलिंग, यही होता है। तो अगर सपोज करो कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वी है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट की भी वी है, इस कोने की भी वी है, यहां की भी वी है, इस कोने की भी वी है, तो हर पार्टिकल वी से स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा। अगर कोई बॉडी रोटेट करता है, खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा नहीं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और ये मूव करेगा वी, ये मूव करेगा वी, और ये मूव करेगा वी। लेकिन जब रोल करते हैं तो रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मिलाओ जरा, ये वेक्टर इस वेक्टर पे ऐड होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v, ये वेक्टर इसमें ऐड होगा तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, बॉटम वाला वेक्टर इधर और इधर आपस में कैंसिल, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कॉर्नर के पॉइंट में यहां की वेलोसिटी v और यहां की नीचे v है, तो इधर v है इधर v है, तो यहां की वेलोसिटी √2v, ऐसी यहां की ट्रांसलेशन की, यहां की रोटेशन की, तो नेट वेलोसिटी √2v। तो याद रखना प्योर रोलिंग के ऊपर अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो बॉटम की 0, ऊपर की 2v, इधर √2v, इधर √2v। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक, तो ये आपने कॉन्सेप्ट को याद रखने, तो इसके अंदर इतना ही है, ठीक है। जो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें जो करने वाला है वो एंगुलर मोमेंटम है, पक्का क्वेश्चन आएगा एंगुलर मोमेंटम पे आता है। तो एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला आर क्रॉस पी, जैसे टॉर्क वेक्टर होता था आर क्रॉस एफ, ऐसे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, तो ये इसका पहला फॉर्मूला है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो इसके अंदर ये लीनियर मोमेंटम है mv और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h। तो जैसे टॉर्क का शॉर्टकट होता था, क्या होता था कि लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ऐसे ही मतलब सॉरी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टॉर्क है, ऐसे ही इसके अंदर लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, mv इनटू कितना, h, सीधा फॉर्मूला। तो जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक प्रोजेक्टाइल है, एक प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v cos थीटा, वर्टिकल तो होती नहीं, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, mv cos थीटा। तो पर और o पॉइंट के अबाउट l निकालना एंगुलर मोमेंटम, तो o पॉइंट के अबाउट ये डिस्टेंस कितना है, hm, तो लीनियर मोमेंटम mv cos थीटा इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना, hm, तो ये क्या देगा आपको, एंगुलर मोमेंटम। और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल में पता होती है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, आंसर। तो एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरीके से निकलेगा। दूसरा फॉर्मूला यूज करना है एंगुलर मोमेंटम का, याद रखना है टॉर्क और l का ये रिजल्ट है, टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt, बस रिजल्ट याद रखना है। और केपलर के लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, वो सन के आसपास है, सन और एलिप्स में घूम रही है, सन सेंटर पे नहीं है, फोकस पे है। दूसरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी कि टी टाइम में अगर कोई प्लैनेट यहां से यहां आता है, तो टी टाइम में यहां से यहां आता है, तो एरिया कवर्ड दोनों का हिस्सों का क्या रहेगा, एग्जैक्टली
सेम। तो डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट अर्थ एंड न्यूमेरिकल, इस पे मेन नीड दोनों में। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला एल बाई टू एम, एंगुलर मोमेंटम बाई टू एम होता है, एंड एम इज मास ऑफ प्लैनेट। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला है कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एल बाई टू एम। तो ये कैप्लर का सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई प्लैनेट टी टाइम में सन के आसपास चक्कर काट रहा है इन अ रेडियस ऑफ आर, तो उस प्लैनेट के लिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये याद रखना है आपने, कैप्लर का थर्ड लॉ। ठीक, एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या किया आपने आर क्रॉस पी, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या क्या अभी करना है आई टाइम्स ओमेगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों यूज हो सकते हैं। तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूल नंबर वन, अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस के आसपास घूम रहा है, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लगा लें। पॉइंट मास का जो आई होता है वो क्या होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है वी बाय आर। तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा एम वी आर। तो एम वी आर क्या है इसमें एंगुलर मोमेंटम। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो आपने याद रखना है इसमें। लेकिन ये एम वी आर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर ये स्फेयर होता तो यहाँ एम आर स्क्वायर की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर यूज होता। तो हम कह नहीं सकते कि एम वी आर हमेशा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला आई ओमेगा कभी भी यूज करो। तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आता है कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है, अर्थ की दूरी जब आर वन है सन से, फिर आर टू है, तो आर वन है तो वेलोसिटी वी वन है, आर टू है तो वी टू है। किसी भी प्लैनेट घूमते हुए प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सन के सामने अर्थ एक पॉइंट मास है, तो एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि एम इंटू वी वन आर वन इज एम इंटू वी टू आर टू इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। तो एम तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, जब रेडियस यानी कि इंक्रीज होगा अर्थ का सन से, तो वहां पर वेलोसिटी उसकी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आएगा अर्थ घूमती घूमती क्या हो गई श्रिंक कर गई, अच्छी बड़ी घूम रही थी आर रेडियस की अर्थ थी, ओमेगा के साथ घूम रही थी, ओमेगा क्या होता है 2π/24 आवर्स, 2π/T में 24 आवर अपने एक्सिस पे घूम रही है, घूमती घूमती श्रिंक हो गई और उसका रेडियस आर बाय एन हो गया, एन है ये टू नहीं है एन है, एन हो गया। तो नया ओमेगा क्या होगा ये निकाल दो, या नया टाइम पीरियड क्या होगा अर्थ का ये निकालो, मास रिमेनिंग सेम। कभी भी घूमती हुई अर्थ छोटी हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रखना है। तो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, पहले अर्थ का आई क्या था 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा क्या था 2π/T1, T1 24 आवर्स है, और फिर क्या हुआ 2/5 एम इंटू आर बाई एन का स्क्वायर और ओमेगा क्या 2π/T2, T2 कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब अर्थ घूमती घूमती छोटी हो जाए तो रूल वही लगेगा आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। नेक्स्ट है, मान लो एक रॉड है, रॉड के यहाँ पर बीड्स हैं दो, इसका छोटा छोटा मास एम और एम है, रॉड का खुद का मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है। घूमते घूमते क्या हुआ ये ओमेगा के साथ घूमना स्टार्ट किया और घूमते घूमते बीट्स बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए, तो नया ओमेगा बताओ क्या होगा। तो अगेन आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू। आई वन पहले ये बीट्स पॉइंट मास है और एक्सिस के ऊपर है, तो बीट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट नहीं होगा क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस उनका जीरो है, सिर्फ रॉड का काउंट होगा एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, यहाँ पे रॉड का काउंट होगा जो कि कितना है एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। फिर बीड्स कॉर्नर पे आ गए तो एम एल स्क्वायर बाय 12 रॉड का तो होगा होगा, तो बीड कितनी दूरी पे आ गया एल बाय 2, तो पहले बीड का क्या हो गया एम इंटू एल बाय 2 का स्क्वायर, दूसरे का भी इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटू ओमेगा का डैश। तो यहाँ से ओमेगा डैश कैन बी कैलकुलेटेड। तो मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में भी आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू ही लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो जैसे एक डिस्क है, डिस्क घूम रही थी विद आई वन और ओमेगा वन, घूमती घूमती डिस्क के ऊपर एक और डिस्क को प्लेस कर दिया हमने, ऐसी बिना टच के रख दिया, मतलब जेंटली प्लेस्ड, तो ओमेगा क्या होगा नया? तो जब अकेली डिस्क घूम रही थी तो आई वन ओमेगा वन, और जब डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी तो आई बढ़ गया, आई वन प्लस आई टू द स्केलर क्वांटिटी, और नया ओमेगा ओमेगा टू, ओमेगा टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो याद रखना डिस्क वाली प्रॉब्लम मेंस में आई हुई है, सेम प्रॉब्लम दिखाता हूँ कैसे, थोड़ी सी चेंज करके आई है। अगर एक टेबल के ऊपर स्टिक पड़ी हुई है ऐसे, और ये सेंटर पे हिंज्ड है, पेच लगा हुआ है, ऐसे घूम सकती है, तो एक बुलेट आता है इसको हिट करता है और खुद रेस्ट पे आ जाता है, तो रॉड घूमती है, आपको ओमेगा बताना है। तो रूल नंबर वन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो आपने ये करना है कि टक्कर होने से पहले इसका लीनियर मोमेंटम बुलेट का क्या है, एम यू, और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एच। तो एंगुलर मोमेंटम बुलेट ने कितना दिया, एम यू इंटू एच, बुलेट इज अ पॉइंट मास, एम वी आर। और जैसी वो रुक गया बुलेट, रॉड ने घूमना शुरू किया, टक्कर के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, आई टाइम्स ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। कभी भी इस टाइप की टक्कर हो और बॉडी घूमे तो एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा का कॉन्सेप्ट ही लगेगा हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, अगर मान लो ये हिंज ना हो, ये फ्री टू मूव है, तो ये भाई टेबल के ऊपर रॉड पड़ी है, टक्कर लगी, तो ये रॉड घूम रही है और आगे भी जा सकती है। अब ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। तो रूल नंबर वन पहला तो वही लगेगा, बुलेट ने जब इसको हिट किया एच डिस्टेंस पे, तो एम यू इंटू एच इज आई इंटू ओमेगा, पहला रूल तो वही है। दूसरा एक्स्ट्रा रूल लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी मोशन में है, तो सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। अब ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट में रॉड की शेप मैटर नहीं करती, तो आप इमेजिन कर लें कि एक बुलेट है एम यू, रॉड का मास बस एम है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, शेप लेनी नहीं है। टक्कर के बाद ये रेस्ट पे आ गया बुलेट, और ये मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ट्रांसलेशन में। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, और ट्रांसलेशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। क्या, एम यू प्लस जीरो इज जीरो प्लस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, दूसरी इक्वेशन है। और तीसरी एनर्जी कंजर्वेशन भी लग सकती है, जो कि कहती है कि बुलेट की एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, रॉड की तो थी नहीं, टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है रॉड का, तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रॉड घूम भी रही है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या आएगा, पर एनर्जी कंजर्वेशन लग सकती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग सकता है। तो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं इस पे, सीधा उसके ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये लो,
नंबर सी देखो, इसमें वो कह रहा है दो डिस्क हैं, देखो दो डिस्क हैं, दोनों घूम रही है I1 ओमेगा 1, तो I1 ओमेगा 1, दूसरी घूम रही है I2 ओमेगा 2, दोनों मिल गई, तो I क्या हो गया, I1 प्लस I2 कॉमन वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा आ गई। कह रहे लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो गई, जब अलग अलग घूम रही थी तो ये एनर्जी है, इकट्ठी घूम रही है तो ये एनर्जी है, ओमेगा को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर लें, इनिशियल एनर्जी फाइनल दोनों को माइनस लॉस ऑफ एनर्जी। मेथड समझ में आया, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर इनिशियल एनर्जी, फिर फाइनल एनर्जी, फिर दोनों को माइनस। क्लियर है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन का आंसर,
थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंगुलर स्पीड ओमेगा, टू पार्टिकल हैविंग मास एम ईच नाउ अटैच डायमेट्रिकली। ये देखो एक रिंग घूम रही है, ये देखो एक रिंग घूम रही है, रिंग का मास है एम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक हो गया, एम आर स्क्वायर, और ये घूम रही है विद ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा। अब वो कहता है डायमीटर के एंड पे छोटे छोटे दो मासेस लगा दिए, अब जो छोटे छोटे मासेस लगाए वो रिंग के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश निकाल लेना आंसर, क्योंकि आई बढ़ गया ना तो ओमेगा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहां से आंसर आएगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है, एक पुली है, अभी मैंने जो कॉर्ड वाला क्वेश्चन दिया था ये वाला, ये एक पुली है, ये मास है, ये मास नीचे हो गया एच हाइट, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था जिस पे, ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें ओमेगा निकालना है। पुली घूम रही है, मास ए से बी पे आ गया, तो सिखाया था ना यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट, शीट की प्रॉब्लम है डायरेक्ट, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये सेम क्वेश्चन, मतलब वैल्यूज डिफरेंट है पर देखने में देखा लगता है, अभी अभी डिस्कस किया, एक बॉडी रोल करती है ऊपर जा रही है तो एच हाइट निकालनी है आपको इसमें, तो रोलिंग की एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम जी एच, निकाल लेना आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ना दो केस बनाने हैं, बहुत सिंपल है। पहला केस ये बनाना है कि एल डिस्टेंस पे कोई बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, स्लाइड टी टाइम में नीचे आती है, तो एल इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ, स्लाइडिंग में एक्सलेशन क्या होती है, जी साइन थीटा इंटू टी वन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। दूसरे केस में रोल करती हुई बॉडी नीचे आ रही है, एल सेम है, रोलिंग में एक्सलेशन क्या होती है, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी टू स्क्वायर, और क्योंकि ये बॉडी क्या है, डिस्क, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह वन बाई टू, इन्हें डिवाइड कर लेना, टी वन टी टू का रेशियो कंपेयर कर लेना आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन का, ये सिंपल एक्सलेशन का, तो कुछ क्वेश्चन तो सच में आसान है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मुश्किल है, तो बेसिक अगर आ जाते हैं तो सही है, ठीक। नेक्स्ट है ये देखो,
बॉडीज रिंग है और सॉलिड सिलेंडर है, सेम मटेरियल आर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग, इंक्लाइन प्लेन, रेडियो या बॉडीज आर सेम, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द रिंग टू दैट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट। तो इसमें क्या करना है आपको, दो बॉडीज रिंग और सॉलिड सिलेंडर है, सेम मटेरियल रोल कर रही हैं, प्योर रोलिंग है, रेडियस सेम है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम। अच्छा आप एक काम करें, इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडीज आ रही है ना, तो ऐसा करें आप दो केस बना लें, इंक्लाइन प्लेन पे ये हाइट एच है, तो जब नीचे आएंगे तो क्या करवाया था, एम जी एच इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय, एक बार ये किसके लिए लगाएं, रिंग के लिए, एक बार दूसरी बॉडी के लिए, तो वी वन वी टू आएगा, डिवाइड करना, कंपेयर करना आंसर, एनर्जी कंजर्वेशन है। ये लो सर, सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या थी, हाफ हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना, सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना सिलेंडर का, तो हाफ हुई ना, वन बाई टू होती है सिलेंडर की, यस हाँ, डिस्क की भी हाफ है, सिलेंडर की भी हाफ है। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ व्हील ऑफ, कह रहे एक व्हील है, व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो है वी नॉट, पार्टिकल ऑन द रिम, रिम का मतलब सर्कमफ्रेंस, एट द सेम लेवल एट द सेंटर, तो सेम लेवल एट द सेंटर ये ले लें, सेंटर के सेम लेवल पे ये ले लें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के सेम लेवल पे कोई पॉइंट ले, कह रहे यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, रूट टू वी नॉट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू, आंसर इज टू, खत्म हो गया बस, सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू भी, तो एक्स की जगह टू आंसर। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, पिछले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है थ्री थ्री, ठीक है।